वेलकम टू द फ्रेंड एस एम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप ये सात विचार करते हो तो आपका माइंडसेट जो है गरीब है। दोस्तों, हम यहाँ पर माइंडसेट के बारे में बात करने वाले ना ही किसी गरीब के और ना ही किसी अमीर के बारे में, बस यहाँ पर जो है माइंडसेट के बारे में बात करने वाले। अगर आपका ये माइंडसेट है, ये सात विचार करने वाला माइंडसेट है, अगर आप अमीर भी हो तो आपको ये गरीब बना देगा, और गरीब है तो और गरीब बना देगा, या फिर मिडिल क्लास है तो और भी गरीब बना देगा। तो चलो उन सात विचारों के बारे में हम जानते हैं कौन से वो सात विचार है जो अक्सर आपको जो है वो गरीब माइंड सेट जो है आपको और गरीब बना देगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक नंबर पर रखा है, स्कूल में अच्छे मार्क लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, अगर आप जो है ये विचार करते हो तो आपका माइंडसेट गरीब है, इसे बदलिए। स्कूल में मार्क लाना जो है एक बहुत मार्क लाना जो है गरीब माइंड की सोच है। दोस्तों, आप जो है एक एग्जांपल के से समझते हैं, इलॉन मस्क हमेशा कहते थे कि मैं कभी टॉप पर नहीं रहा, मगर आज मेरी कंपनी में हर टॉप पर काम करता है। तो ये माइंडसेट जो आपका है कि अगर स्कूल में अच्छे मार्क लाना बहुत ज़रूरी है तो आपका माइंडसेट गरीब है। नंबर दो, सरकारी नौकरी लगने से करियर सेट होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लगने से करियर सेट होता है तो आपका भी माइंड गरीब है। नंबर तीन पर रखा है हमने, पैसों के लिए दिन रात काम करो। दोस्तों, पैसों के लिए दिन रात काम करो। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो तो आपका माइंडसेट गरीब है। अगर आपका अमीर माइंडसेट है तो आप सोचते होंगे कि सोते सोते भी पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में निवेश करो, या फिर जो है स्किल सीखो, या फिर कोई बिजनेस करो, ऐसा माइंडसेट आपका होगा। नंबर चार पर रखा है हमने, बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हो तो आपका माइंडसेट गरीब है। अगर आपका माइंडसेट अमीर है तो आप सोचोगे बिजनेस के लिए बहुत सा पैसा नहीं लगता, बिजनेस के लिए बस आइडियाज लगते हैं। नंबर पाँच पर रखा है हमने, पैसा कमाओ और उसे सुरक्षित बैंक में रखो। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हो तो अफसोस, आपका माइंडसेट गरीब है। नंबर छः पर रखा है हमने, इन्वेस्टिंग जुआ है, इससे पैसे डूब जाते हैं, बल्कि इसमें बहुत रिस्क है। अगर आप भी ये सोचते हो तो आपका माइंडसेट गरीब है। अगर आप ये नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि शेयर मार्केट सीखना चाहिए, उसमें जो है इन्वेस्ट करने से जो है पैसे ग्रो होते हैं, तो आपका माइंडसेट अमीर है। नंबर सात पे रखा है हमने, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती तो आपका माइंडसेट गरीब है, इसे बदलिए कि पैसों से जो है हर वो चीज़ खरीदी जा सकती है जिससे खुशियां मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी इसे सोचिए, समझिए और समझिए कि आपका माइंडसेट क्या सोचता है। आप गरीबों वाली सोच रखते हैं या फिर अमीर वाली सोच रखते हैं, यह बस माइंडसेट का खेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।